इस वक्त की बड़ी खबर है श्रावस्ती जनपद के गिलौला क्षेत्र से, जहां पर युवक के नदी में डूबने की आशंका। पुलिस और एनडीआरएफ टीम कर रही नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन। गिलौला थाना क्षेत्र के कुड़री दीगर गांव में युवक के डूबने की खबर आ रही है, जहां पर ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि युवक बुधवार की शाम को नौखान में नहा रहा था, लेकिन जब तक वो देर रात को अपने घर नहीं आया तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की और उसके बारे में पता करने लगे तो पता चला कि शाम को नौखान में नहाने की बात सामने आई। गिलौला पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर मौके पर उप जिला अधिकारी समेत गिलौला पुलिस भी पहुंच गई। गिलौला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुड़ी दीगर गांव निवासी करिंगर निषाद पुत्र सदानंद बुधवार की शाम 7 बजे से लापता है। आशंका जताई जा रही है कि वो गांव के किनारे बह रही राप्ती नदी के नौखान में नहाते समय गहरे पानी में चला गया और डूब गया। गिलौला थाना अध्यक्ष योगेंद्र राय समेत उप जिला अधिकारी आरपी चौधरी मौके पर देर रात को ही पहुंच गए और गांव वालों की मदद से काफी खोजबीन की गई। काफी खोजबीन के बाद भी पता नहीं चल सका। वहीं गुरुवार को सुबह गिलौला पुलिस की सूचना पर एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पर नौखान में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। कई घंटे बीत जाने के बावजूद भी कुछ पता नहीं चला तो वहीं गांव के लोगों का नदी के तट पर देखने वालों का तांता लग गया। एनडीआरएफ की टीम के कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा, प्रयास जारी है। ऐसे में परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं बताया जा रहा है कि करिंगन पिछले कुछ महीने से मानसिक रूप से बीमार था, जिसकी वजह से लोग अलग अलग तरह से अपनी राय बता रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है। इस संबंध में गिलौला थाना अध्यक्ष योगेंद्र राय ने बताया कि जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जैसे ही कुछ आगे की जानकारी मिलती है हम आपको इसी चैनल पर दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, और अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। सबसे पहले धन्यवाद। जय जय राम। लड़का आपका कैसे ढूंढ तलाब है कि भाई चला दूध लगावे ला दूध लगा दूध लगा तो हम वहाँ निकले देखा पट्टों पर तो कैसे पहला देखा तो बूढ़ा धोखा देखा तो थोड़ी कूद के बूढ़ के वहाँ बूढ़ी बह। कितने बजे मामला है? 6 बजे का। चुप रहो। कितने बजे का मामला है? 6 बजे का शाम का। आपने अपनी आंखों से देखा डूबते हुए? हाँ, अपनी आंखों से देखा। अच्छा, लड़का कितने साल का है? लड़का लगभग 30 26-27 साल का। हुई शादीशुदा है? हाँ, दो लड़के हैं बिटिया। अच्छा, तो पुलिस को सूचना दिया आपने? हाँ, पुलिस का संजय का फोन हुआ हमारा, उधर कहना जेम जेम से भया हो रहा। तो कोई मदद मिली पुलिस से? अब यहाँ तो जो कुछ बात करते हैं तो नहीं मदद है, फोन मदद है आप देखो।